पूर्वोत्तर रेलवे ने कॉन्टैक्टलेस सैनिटाइजर सिस्टम को गोरखपुर के डीजल लॉबी में स्थापित किया है। इस सिस्टम में ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइज हो जा रहा है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि इस सिस्टम को पूर्वोत्तर रेलवे के सभी विभागों में स्थापित किया जाएगा। इस संदर्भ में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा, मतलब कि कब तक टाइम लगेगा? ये तरीका सही है। आज कब क्या है, कब से लगा दिया जाएगा? अरे भाई वो तो नियम है, आप नीचे आएगा तो आएगा। लॉकडाउन के दौरान भी रेलवे मालगाड़ियों एवं पार्सल ट्रेनों का लगातार संचालन कर रहा है। ऐसे में रेल कर्मचारियों की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है और उनके लिए प्रॉपर सैनिटाइजर किट, जिसमें सैनिटाइजर, मास्क, सोप, हैंड वॉश की सारी चीजें हैं उनको दी जा रही है। साथ ही साथ उनको काउंसिल भी किया जा रहा है कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए कार्य करें। उनके लिए कुछ गाइडलाइंस वाली पुस्तकें भी बनाई गई हैं जो पॉकेट बुकलेट टाइप की होती है, जिससे कि वो पॉकेट में रख सकें और कभी आवश्यकता अनुसार उसको देख सकें। ये सारी चीज़ों के अलावा अभी लखनऊ डिवीजन ने एक महत्वपूर्ण स्टेप लेते हुए कॉन्टेक्ट लेस सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट का अरेंजमेंट किया है, जो कि अभी गोरखपुर किलो लॉबी में लगाया गया है, गोंडा किलो लॉबी में भी लगाया जाएगा। साथ ही साथ वर्कशॉप के लिए भी इसको खरीदा गया है, जहाँ पे रेल कर्मचारी अधिक संख्या में आते हैं तो वो सैनिटाइजर यूनिट बिना कॉन्टेक्ट के, इसलिए उसको कॉन्टेक्ट लेस सैनिटाइजर यूनिट कहते हैं, उससे हाथ सैनिटाइज कर सकते हैं। एक बार में 5 ml क्वान्टिटी सैनिटाइजर को डिस्पेंस करता है, स्प्रे करता है, उसकी कैपेसिटी 5 लीटर की है। और ये जो यूनिट है इसमें एक बार में 5 लीटर सैनिटाइजर डाला जा सकता है, जो कि 1000 बार लगभग यूज में आएगा, उसके बाद पुनः इसको रिफिल करने की आवश्यकता पड़ेगी।